रामू 2 दिनों पहले ही इस बड़े से बंगले में काम करने के लिए आया हुआ था, लेकिन आज सुबह सवेरे उसने जो दृश्य देखा उसे देखकर वह हैरान रह गया और सोच में पड़ गया कि बड़े लोगों का दिल कितना छोटा होता है। घर के बड़े मालिक उमा शंकर जी अपने बेटे से 100 रुपए मांग रहे थे तो रमन ने उन्हें गुस्से में डांटते हुए कहा, बाबूजी मेरे पास आपके लिए 100 रुपए नहीं है, आप आराम से घर में पड़े रहो ना, आपको खाने पीने के लिए सब कुछ मिल ही रहा है, दवाई वगैरह भी मैं खरीद कर ला ही देता हूँ, तो फिर आपको 100 रुपए की क्या जरूरत है। इतना बोलकर वह ऑफिस जाने के लिए निकल गया। रामू यह सब देखकर बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि इतने बड़े बंगले के मालिक को भी आज 100 रुपए के लिए अपने बेटे के सामने अपमानित होना पड़ रहा है। उसने खुद अपनी जेब से 100 रुपए निकाल कर उमा शंकर जी को दे दिया, लेकिन उसने गौर किया कि 100 रुपए मिलते ही उमा शंकर जी के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई थी। उन्होंने एक झटके से रामू को अपने गले से लगा लिया और भागते हुए तुरंत ही घर से बाहर चले गए। रामू सोचने लगा कि आखिर वह क्या खरीदने के लिए भागे जा रहे हैं। रामू से रहा नहीं गया और उसने उनका पीछा किया। फिर तो उसने जो देखा उसे देखकर उसके दिमाग को एक बहुत बड़ा झटका लगा और उसे देखते ही उसे एक पल में ही सारी कहानी उसके सामने आ गई। उसे अब समझ आ गया था कि आखिर इतने बड़े पैसे वाले होकर भी रमन बाबू ने अपने पिता उमा शंकर जी को 100 रुपए का मोहताज क्यों बना रखा था। उसने देखा कि उमा शंकर जी एक शराब की दुकान के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने जल्दी से 100 रुपए देकर शराब खरीद ली और उसी दुकान के एक कोने में लगे टेबल पर अपना हक जमा कर बैठ गए। अब तो रामू के हाथ पांव फूलने लगे, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उमा शंकर जी को डॉक्टर ने शराब पीने के लिए मना किया है। वह रमन बाबू के गुस्से से भी अच्छी तरह वाकिफ था और वह यह भी जानता था कि रमन बाबू किस हद तक अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशील हैं। अगर रमन बाबू को पता चला कि उनके पिता ने शराब पी ली है और उस शराब के लिए पैसे उसने दिए हैं, तो उसकी खैर नहीं। वह डर से थर थर कांपने लगा। इस वक्त उमा शंकर जी को शराब पीने से रोकना भी उसके लिए टेढ़ी खीर थी। अब तो उसकी नौकरी हर हालत में खतरे में थी। अगर वह उमा शंकर जी को न रोके तो रमन बाबू उसे नौकरी से निकाल दे और रोके तो उमा शंकर जी भी उसे वहीं के वहीं उसके पेट पर लात मार दे। लेकिन फिलहाल उमा शंकर जी का स्वास्थ्य उसके लिए सबसे बढ़कर था, इसलिए वह तुरंत ही उमा शंकर जी के पास पहुंचा और झटके से उनके हाथों से बोतल लेकर उसने खिड़की के बाहर फेंक दिया और कहने लगा, मालिक रमन बाबू आपका कितना ध्यान रखते हैं और आप उनसे छिपकर यहां शराब पीने चले आए। मैंने तो सोचा था कि आपको बुढ़ापे में आपका बेटा प्यार नहीं करता है और वो आपको 100 रुपए भी नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने आपको 100 रुपए दिए। मुझे नहीं पता था कि आप शराब पीने के लिए रुपए मांग रहे हैं। उमा शंकर जी गुस्सा हो गए और कहने लगे, देख तूने मेरी बोतल फोड़ दी है, तो मुझे और 100 रुपए दे वरना मैं तुझे अभी के अभी नौकरी से निकाल दूंगा और रमन से तेरी शिकायत कर दूंगा कि तू मुझे शराब पीने के लिए रुपए देता है। यह सुनकर रामू पसीने पसीने हो उठा। थोड़ी देर सोचने के बाद वह उल्टे पैर बंगले में वापस लौट आया और उसने रमन को फोन लगाकर सारी बातें बताते हुए कहा, रमन बाबू मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मालिक शराब पीने के लिए रुपए मांग रहे थे। अगर आप कहेंगे तो मैं अभी नौकरी छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं मालिक के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया है। मैंने भावनाओं में बहकर उन्हें रुपए दे दिए, लेकिन मैंने जब उनका पीछा किया तो वो शराब पीने जा रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें शराब की एक बूंद भी पीने नहीं दिया। उसकी बातें सुनकर रमन को शुरुआत में बहुत गुस्सा आया, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचने पर उसे लगा कि इसमें रामू की कोई गलती नहीं है। उसने तो इंसानियत के नाते बाबूजी को रुपए दिए थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह शराब पीने जा रहे हैं, और रामू ने तो अपनी नौकरी की परवाह किए बिना ही सारी सच्चाई उसे बता दी थी। रमन ने रामू से कहा कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, आगे भी तुम बाबूजी का अच्छे से ध्यान रखना। यह सुनकर रामू बहुत खुश हो गया। आज उसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की जीत हुई थी। उमा शंकर जी थोड़ी देर के बाद बौखलाए हुए से घर आए, लेकिन अब वह भी अच्छे से समझ गए थे कि कोई भी उन्हें शराब पीने के लिए रुपए नहीं देगा, क्योंकि एक नौकर तक को समझ में आ गया था कि शराब पीना उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। जब एक पराया इंसान उनके स्वास्थ्य को लेकर इतना सजग है, तो क्या वो खुद के स्वास्थ्य के लिए सजग नहीं हो सकते। उन्होंने मन ही मन शराब को कभी भी हाथ न लगाने की कसम खाई और रामू को अपने गले से लगा लिया। रामू ने एक बार फिर से अपने मालिक के गले से लगकर एक अपनत्व को महसूस किया और उस अपनत्व से उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। तो दोस्तों, आपको रामू की वफादारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए लाइव टेल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।